हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ MI एंड्रॉयड स्मार्टफोन का लॉक कैसे तोड़ें, जिसका नाम रेडमी MI एंड्रॉयड स्मार्टफोन भी है। रेडमी बोलिए या MI एंड्रॉयड स्मार्टफोन बोलिए, दोनों बराबर है, या सोमी भी आप बोल सकते हैं। तो अगर आपके पास रेडमी मोबाइल है और वो रेडमी मोबाइल आपसे किसी कारणवश पासवर्ड चेंज करने के दौरान या कोई भी कारणवश आपका फ़ोन इस तरह से लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है फ्रेंड, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रहा होगा। फ्रेंड, आपका फ़ोन डब्बा बन जाता है जब आपका फ़ोन लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है। तो आप इस केस में रिपेयर सर्विस सेंटर वाले के पास जाओगे या किसी रिपेयर मोबाइल दुकानदार वाले के पास जाओगे, दोनों जगह आपसे पैसा लेंगे, आपका समय लेंगे और फ़ोन तो अनलॉक करके थोड़ा देर बाद दे देंगे, लेकिन ये भी नहीं दिखाएंगे कि वो आपके फ़ोन के साथ किया क्या है। बस फ़ोन ऑफिस रूम में जाएगा और आपका फ़ोन आधा एक घंटा में अनलॉक होकर आ जाएगा। और वो फ़ोन जब आपके हाथ में मिलेगा तो फ़ोन का टोटल डाटा डिलीट हुआ रहता है, ये बात तो आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डाटा सेव कैसे किया जाता है, डाटा रिकवर कैसे किया जाता है और फ़ोन अनलॉक कैसे किया जाता है। फ़ोन तो अनलॉक कर देंगे सर्विस सेंटर वाले भी, लेकिन डाटा नहीं रिकवर करेंगे, डाटा टोटल का टोटल डिलीट कर देंगे। लेकिन मेरा इस इंटरेस्टेड वीडियो को अगर आप लास्ट तक वॉच करोगे तो डाटा भी सेफ होगा और फ़ोन भी अनलॉक होगा, वो भी घर बैठे होगा बिना सर्विस सेंटर गए और विदाउट डाटा लॉस होगा। फ्रेंड, तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करोगे तो आपको नीचे इमरजेंसी कॉल दिखाई देगा और कोई ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो आपको अपना पासवर्ड याद ही नहीं है तो यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड शो कर देगा। इंटर पासवर्ड में क्लिक नहीं कर सकते हो तो आपको इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना है। जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये न्यू डायलेट खुलेगा, एकदम फ्रेश रिफ्रेश डायलेट जिसको बोलते हैं। तो इस न्यू डायलेट में आपको एक छोटा सा कोड का इस्तेमाल करना है फ्रेंड, जिस कोड का नाम होता है FRP कोड। ये कोड की मदद से आपके फ़ोन में जो भी FRP कोड है वो टूटेगा, सबसे पहले वो टूटेगा और उसका टूटना भी बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड, क्योंकि जब तक वो कोड नहीं टूटता है तब तक आपका फ़ोन अनलॉकिंग नहीं होने देता है। तो ये कोड जो मैं आपको अभी अप्लाई कर रहा हूँ, ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है फ्रेंड, और ये कोड वन टाइम कोड होता है। वन टाइम कोड का मतलब तो मैं आप लोग को हमेशा से बताते आता हूँ कि ये कोड एक ही बार में यूज करना है, वो भी सही सही, कोई अंक मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कोई वर्ड मिस्टेक नहीं होगा। और इस कोड को अगर आप सही सही कॉल कर देते हो, जितना टाइम मैं कह रहा हूँ उतना टाइम अगर आप कॉल कर देते हो, तो आपका FRP कोड जो लॉक होगा वो टूट जाएगा। इस कोड को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए और इस कोड को मात्र 5 टाइम कॉल कर लीजिए, ताकि जब तक हम लोग इस कोड को कॉल करते हैं तब तक ये कोड रनिंग होता है और अपना वर्क करता है फ्रेंड। तो 5 टाइम कॉल पे जब क्लिक करोगे तो कॉल फेल्ड का मैसेज आएगा, उसको कर लीजिएगा ओके, ये हो गया 1 टाइम। इसी प्रकार 2, 3, 4 एंड देन 5 टाइम कॉल करने के बाद इस कोड को एक एक करके हटा लीजिएगा फ्रेंड, डायरेक्ट मत हटाइएगा, एक एक करके हटाइएगा। उसके बाद आपको मैं सेकेंड कोड दे रहा हूँ फ्रेंड, जो कोड है *#8##9#। ये कोड से आपका डायरेक्ट पेज खुलेगा इंजीनियर मोड का, और ये इंजीनियर मोड में आप देखोगे कि कितना सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आप मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करना, मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट पेज छोड़ देना, सेकंड पेज पे आना और जी सेंसर जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना फ्रेंड, यहाँ पे क्लिक करना। फ़ोन का मेन सेंसर होता है जी सेंसर और हमको सबसे पहले अपना सेंसर चेक करना होता है, तो हम जी सेंसर पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो कि जी सेंसर का जो एंगल है, 3 एंगल है, XYZ तीनों का तीनों रनिंग कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि आपका सेंसर अभी तक एक्टिव है, क्योंकि ये डीएक्टिव होता तो रनिंग नहीं करता। अब यहाँ से इसको बैक कीजिएगा तो अब मैं आपको वो फाइनल वर्क बता रहा हूँ, जिस वर्क से आपका डाटा सेफ होगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जायरोस्कोप पे आपको क्लिक करना है और 3 नंबर ऑप्शन जो आपको दिख रहा है डाटा डिस्प्ले का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको रिकवर होने देना है 30 तक। अगर 30 तक बिना रुके हुए ये रिकवर हो गया फ्रेंड, तो आपका डाटा फुल का फुल सेफ हो जाएगा। तो इसको 30 तक आप रिकवर होने दीजिए। जब ये 30 से भी प्लस हो जाएगा तो आप इसको बैक कर लीजिएगा। और जस्ट ऊपर है जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट,
ये टेस्ट आपको देना है। और अगर यहाँ पे आपका फेल आ जाता है तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट टेस्ट देंगे और कंटिन्यू देंगे जब तक पास नहीं दिखे। और अगर यहाँ पे पास दिख गया तो आपका रेडमी MI एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक, वो भी विदाउट डाटा लॉस। तो हम ये टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये टेस्ट हमारा पास शो किया। अगर मेरा यहाँ पे फेल शो करता तो हम दोबारा से ट्राई करते, 3 बार 4 बार ट्राई करते, लेकिन एक ही बार में पास आया। तो अगर आपका फेल शो करे तो आप कंफ्यूज मत होना, हटना नहीं, पीछे मत हटना, ट्राई करते रहना। जब भी ऐसा पास दिखे तुरंत होम बटन पे क्लिक कर देना। आपका भी रेडमी MI एंड्रॉयड स्मार्टफोन ठीक इसी प्रकार अनलॉक मिलेगा, बिना सर्विस सेंटर गए और बिना डाटा लॉस किए हुए। आप देख सकते हो फ्रेंड कि इस फ़ोन का एक भी डाटा लॉस नहीं है, टोटल का टोटल डाटा सेफ है। तो अगर आप अभी सर्विस सेंटर जाते हैं, पैसा लगता, समय लगता और ये डाटा भी लग जाता, तो मैंने आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट किया। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपके पास कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लॉक है, अनलॉक नहीं हो रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपका पूरा मदद करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।